امر سنگ کالجس پونسہ مکلیو میتن گیٹ خاطر یمو چھنی زبا کرتا یمو چھنی کنیت لال والا بٹن دبنا چاہیے چاپن خربو الوس مگر دبویو نہ کیمرامین چا نو اپ کے ساتھ میں کیا تھا متا چھ تمس نام میں علی گڑھ یونیورسٹی سے Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi welcome back to the channel. This is your host Sahil. Hope ki aap sab acche honge, mazey mein honge aur mast honge. To guys, aaj ka jo vlog hone wala hai wo hamare college pe hone wala hai. Winters ke baad nikla hu main aaj pehli baar college classes start ho chuke. To aaj main nikla hu college. Hum classes attend karenge aur ha jo hamare college ki jo entry thi na jo us pe ped lagi thi aur samne jo heritage building thi hamari uske samne ka jo pura view tha na वो सब उन्होंने तहस नहस कर दिया है. अभी कहते हैं कि उस पर कुछ नई कंस्ट्रक्शन करनी है. अभी पहले उधर पहुंचते हैं, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा और कॉलेज भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. तो पहले घर से निकलते हैं, पहुंचते हैं कॉलेज. तो गाइस निकलते हैं हम. बिस्मिल्लाह. गाइस अब ना मैं बहुत टाइम के बाद कॉलेज आ रहा हूँ, तो पता नहीं कैसा दिन रहेगा. और ऊपर से मैं अभी तक ट्राई कर रहा था मोटो ब्लॉग भी क्या ही बोलूं, क्योंकि जो मैं वो मोटो ब्लॉग करता था ना लास्ट टाइम, मैं रेगुलरली करता था हर ब्लॉग में कुछ मोटो ब्लॉगिंग तो लाता था थोड़ी बहुत सी, लेकिन अब मैं नहीं करता इसलिए भूल गया हूँ. अब समझ ही नहीं आ रहा मैं स्कूटी चला चला के क्या बोलूँ. जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग टफ है, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ. तो पहले हम कॉलेज पहुँचते हैं, फिर अपना ब्लॉग हम उधर ही स्टार्ट करते हैं. तो पहले कॉलेज पहुंचते हैं. कॉलेज की कंस्ट्रक्शन की वजह से स्कूटी हमें इधर ही रखनी पड़ी, तो बस अभी कॉलेज अंदर जाते हैं. और ये दूसरा गेट है जो रमजाना हॉस्पिटल की साइड में, उसी से अब अंदर जाते हैं क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है. अब पर कुछ ही सुन एग्जाम का मतलब कंस्ट्रक्शन क्या कॉलेज है तूत फोन सूरज करा फोन. हेलो गाइस ये देख लो आप, ये जो मेन एंट्री है हमारे कॉलेज की, इधर से हेरिटेज हमें दिखता था, लेकिन साइड में जो ट्रीज होते थे वो अब नहीं है. और जो साइड में इधर से है ना, ये स्टूडेंट्स की पार्किंग, इस पर भी कुछ अभी नज़दीक दिखाता हूँ. ये इस पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है, देख लो अभी इधर पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है. और ये मेन गेट हमारा, अब बाहर से थोड़ा अंदर लाया है पीछे की तरफ इसको. और ये स्टाफ की पार्किंग थी, इधर स्टूडेंट्स भी रखते. इधर ना कीचड़ हुआ करता था जब बारिश पड़ती थी, कीचड़ हुआ करता था, लेकिन अब इधर टाइल्स डालनी है. और ये जो हमारा हेरिटेज है, इधर से दिख रहा था कूल, किन की वजह से, जो ये ट्रीज थे ना साइड में उन्हीं की वजह से. लेकिन परसों मैंने प्रिंसिपल सर का ये देखा इंटरव्यू, उनमें वो बोल रहे थे कि जो ट्रीज हमने इधर काटे उनको हम रिप्लेस करेंगे ट्रीज के साथ ही. लेकिन जो सर्कुलर पार्क है वो देख लो आप, हेरिटेज के सामने हमारी सर्कुलर पार्क हुआ करती थी, उसको हम फाउंटेन बनाएंगे, उसको पार्क नहीं रखेंगे. लेकिन ये जो साइड में पेड़ काट दिए गए हैं, ये बड़े बड़े पेड़, इनको क्या गेट से जबरदस्त आमुत पथ कैनेडा फीलिंग. तो और ये जो ट्रीज है इनको रिप्लेस करेंगे ट्रीज के साथ ही. अमर सिंह कॉलेज पोंसे मकलियो मैतन गेट खतर के मोसिन जबा करत है मोसिन कुनत तिम कर ये कट जाए. अभी साइड में देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन चल रही है. और जो अभी भी बोला मैंने सर्कुलर पार्क जो बीच में थी ना हेरिटेज के सामने, उसको अब फाउंटेन बनाएंगे और उस पे भी कंस्ट्रक्शन. हां ब्रो फाउंटेन कर बना गए सुना था उसको फाउंटेन बनाएंगे, उस पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है. अभी हम उधर ही पहुंचते, दिखाता हूं मैं आपको वो क्या बने कनेडोक दरवाजा छ बने थी बसते थी बोसे तुम बोसा. हेलो बोसे कनाडा घूमो ए मीन दरवाजा बनो कस कनाडा यार बोस कनाडा हुआ तू काय नहीं अच्छा कसा ये बस हैंड सब दुबई में दूर है कि यार काय छु वाह. ये रही हमारी सर्कुलर पार्क,
अभी मैं इसका व्यू आपको हृदय से भी दिखाता हूँ, इस पूरे कॉलेज का जो एंट्री है हमारे कॉलेज की, उसका व्यू मैं हृदय से भी दिखाता हूँ आपको। और ये देखो फाउंटेन कहाँ बन रहा है हमारा, ये रहा हेरिटेज के ऊपर से। चांद नवाब के साथ क्या होना, कैमरामैन चांद नवाब के साथ आप देख सकते हैं ना, कैमरामैन चांद नवाब के साथ। मैं क्या था मता ची तुम्स नाम, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो गाइस ये देख लो ये भर रहा है हमारा फाउंटेन, और सामने देखो व्यू एंट्री बनी मत स्विमिंग पूल अच्छा तो सुना गाइस रन कर रहा अस्तगफिरुल्लाह यो क्या अस्तगफिरुल्लाह चुक से करा ये रमजान अच्छी चला आया। वो देखो आप ट्रीज काट दिए गए हैं, और अभी इस साइड में ना ऐसी है इनको भी काटना है, तो बस अभी देखते हैं जब तक ये रिप्लेस होते हैं ट्रीज के साथ, फिर देखेंगे क्या सीन रहेगा हमारे कॉलेज का इंशाल्लाह, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस जैसा कि आपने देखा क्या हाल हो चुका है हमारे कॉलेज का, तो बस आज के लिए इतना ही कॉलेज में करूँगा एक्सप्लोर। और अभी अरसलान के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसका पहला पेपर है आज इंशाल्लाह। तो बस अभी ये प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, कल खराब फाउंटेन में। तो बस अरसलान प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, तब तक लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो, बस ये लाल वाला बटन दबना चाहिए। चापने कर बो एल्विस मगर दबो यो बस, बाकी पकने टीम ने लापट बो ब्रो गाइस के बिग सा पत इदी है बंगुत, मतलब नी कमेंट में था पति नी वें दी पैन चैनल में था चैनल चैनल में हां बस के माने मेन कमेंट में था मेन कमेंट यार लवा इसन दगा वाला चिक कैमरामैन यार चांदवा कैमरामैन चांदवा के साथ में चार शॉट्स में इसी मेहनत से टांग कारण। और हमारा रैप भी आने वाला, रैप उसका रैप तो पूछो बस, के बदले सब्सक्राइबर दो। बस अभी हम इधर से निकलते हैं, ये जाएगा एग्जाम देने फिर मैं निकलूंगा घर। तो गाइस अभी हम निकलते हैं इधर से, अरसलान गया है पेपर देने, अभी हम निकलते हैं कॉलेज से सीधे घर की तरफ। तो स्कूटी हमने बाहर ही रखी थी, वो रही मेरी स्कूटी, तो करते हैं हम स्कूटी स्टार्ट और निकलते हैं। तो ये रही हमारी स्कूटी, देखो निकालेंगे कैसे। सो गाइस वी आर गुड टू गो, अभी हम निकलते हैं घर की तरफ इधर से। तो गाइस निकल गए हम कॉलेज से, अभी बस रोजे लग रहे हैं कि मैंने रोजे रखे हैं, अभी तक नहीं लग रहा था। पहले ना मुझे चौड़रा जाना है, फिर उसके बाद जाऊंगा घर, पहले मुझे चौड़रा में कुछ काम है। तो पहले हम पहुंचते हैं घर, पहले भी अभी थोड़ी देर जब मैं घर से निकला था कॉलेज, मैंने आपको बोला था कि मोटो व्लॉगिंग पूरी तरह से भूल चुका हूं मैं, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मैं बोलूँ क्या स्कूटी चलाते चलाते। तो बस पहले मुझे घर पहुँचने दो, फिर देखते व्लॉग में कुछ और मत ऐड करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो पहले घर पहुँचते, फाइनली पहुंच गए हम घर। आई होप कि आपको ये व्लॉग किसी न किसी रीजन से अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट्स में भी बोल देना कि व्लॉग कैसा लगा। और हाँ रैप सॉन्ग के लिए मुझे जो कमेंट्स आ रही है, इंशाल्लाह रैप सॉन्ग हम रिलीज करेंगे ईद पे, दूसरी ईद या कुछ दिन बाद, वो मैं अपडेट दूंगा इंस्टा पे या आने वाले व्लॉग्स में वो मैं अपडेट दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड जब तक रैप सॉन्ग हमारा आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।